हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हरियाणा के स्कूलों में विंटर वैकेशन कब होने वाली है। जी हाँ, विंटर हॉलीडे कब होने वाली है पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। वही शिक्षा मंत्री ने क्या कहा है, क्या विंटर वैकेशन होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले तो आप कमेंट करके खुद बताएं कि क्या सर्दियों छुट्टियां हरियाणा में होने चाहिए या नहीं। आप सभी को बता दूं कि शिक्षा मंत्री ने कहा है कि आप सभी की इस बार सर्दियों की छुट्टियां नहीं कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इस बार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, इसलिए आपकी सर्दियों की छुट्टियां नहीं कराई जाएंगी। साथ ही शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा है कि हरियाणा में ज़्यादा सर्दियां होती है तो आपकी स्कूलों की छुट्टियां हो सकती है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हरियाणा में ज़्यादा सर्दियां होती है तो आपकी सर्दियों छुट्टियां हो सकती है। अगर बात करें कितने दिनों की सर्दियों छुट्टियां हो सकती है, तो आप सभी को बता दूँ कि इस बार अगर सर्दियाँ होती है तो 5 से 7 दिन या 10 दिनों की हो सकती है। ये नहीं है कि 15 या 20 दिनों के लिए आपकी सर्दियों छुट्टियां होगी। बाकी देखा जाए तो हरियाणा में सर्दियां बढ़ रही है, इसलिए हो सकता है कि आपकी जो सर्दियों छुट्टियां की जाए। बाकी चेयरमैन जी ने तो यही कहा है सर्दियों की छुट्टियां इस बार नहीं होगी। बाकी आगे के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।